एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस रामनगर के धनखड़ी नाले में पलट गई। गनीमत रही कि बस पानी के बहाव में नहीं बही, इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे में कई यात्री चोटिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 309 पर धनखड़ी नाले पर एक निजी बस पलट गई। बरसाती नाले को पार करने के दौरान ये हादसा हुआ है और राहत की बात यह है कि बस सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें लगी हैं। आपको बता दें, धनखड़ी नाले में मॉनसून के दौरान हर साल जलस्तर बढ़ता है। इस दौरान नाले को पार करने वाले वाहन चालक और उसमें सवार लोगों की जान जोखिम में बनी रहती है। बीते कई सालों से लगातार मॉनसून के दौरान धनखड़ी नाले में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। नाले के ऊपर पुल निर्माणाधीन है। कभी निर्माण एजेंसी की अपनी वजह से तो कभी फॉरेस्ट बोर्ड की आपत्तियों की वजह से पुल का निर्माण रुकता रहता है। कुल मिलाकर धनखड़ी नाले के ऊपर पुल निर्माण का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है।